सो यार आज दिन में मैं एक चीज बताना चाहूंगा। सबसे पहले दिन में मैं टीवी देख रहा था, टीवी में वो एक एड आया पोलियो पोलियो वाला जो अमिताभ बच्चन साहब करते हैं। तब मुझे अचानक से ध्यान आया कि यार पोलियो भी तो है जिससे हमको लड़ना है, कोरोना तो सबका मार्केट कैप्चर कर रखा है यार। इट्स लाइक जियो ऑफ ऑल बीमारीज। हे आई एम अक्षय, पूरा नाम शायद सूरज भाई ने बोल दिया है, वैसे मैं खुद बताता नहीं हूँ ना तो सब लोग स्टॉक करते हैं यार फेसबुक में मुझे, मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रहा हूँ। आई एम फ्रॉम बालाघाट। दोज हु नो अबाउट बालाघाट, आई हैव नथिंग टू डू विद नक्सलाइट्स, ओके पहले बता दे रहा हूँ, ओके डोंट वेस्ट केयर। यार मेरी एक प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम ये है ना कि मुझे पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक रीडिंग। हो हॉबी होती है ना कई लोगों की रीडिंग बुक्स, हाउ मेनी ऑफ योर रीडर्स प्लीज हैंड्स अप। ओह ग्रेट ग्रेट सुनील भाई, आई वाज जस्ट लुकिंग फॉर द इंटेलेक्चुअल लेवल ऑफ द ग्रुप। ये जो लोग हाथ खड़े किए हैं इन लोगों से मेरी कभी नहीं बनेगी। तो ऐसा नहीं है यार, मैंने ट्राई बहुत किया, मैंने बहुत ट्राई किया। जब जब लोगों से सुनता था कि बड़े आदमी बनना है, कुछ करना है, आगे बढ़ना है तो पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी एंड ऑल, तो मैं सोचा ट्राई करता हूँ, बट वो मुझसे हुआ नहीं यार। मैं कॉलेज गया जब एमबीए करने, हाँ मैं एमबीए हूँ, तो एमबीए करने जब मैं गया वहां पर इंट्रोडक्शन होता है, सीनियर से इंट्रोडक्शन लेते हैं, तो उन्होंने पूछा कि आपकी आपकी हॉबी क्या है। अब पहले दिन तो मैं चौंक गया, मैं इस चीज के लिए तैयार नहीं था। उस समय मेरी हॉबी थी वॉचिंग हॉलीवुड मूवीज इन हिंदी। सो बस इतना, मैं इतनी समझ थी कि ये बोलूंगा तो फेल दिया जाऊंगा। तो सीनियर्स ने मुझे एक दिन का टाइम दे दिया, बोले चलो कल सोच कर आना। अब वो एक दिन पूरा मैं सोचता रहा, रात भर सोचता रहा, अपने अस्तित्व में सवाल खड़े होने लगे उस दिन कि यार मेरे को एक हॉबी भी नहीं बना पाया इतने दिनों में मैं। फिर अगले दिन क्लास में एक लड़की लड़की थी, निधि निधि नाम था उसका, मतलब वो उस टाइप की लड़कियां होती ना जिसको जिसके लिए बच्चे सुबह सुबह उठ के बैडमिंटन खेलने चले जाते हैं, वो थी। तो उसको बोलते सुना उसकी हॉबी रीडिंग बुक्स है। मैं बोला बस मिल गई अपने को मेरी हॉबी। अपन जाए अपने अपन अगले दिन गए, सीनियर्स ने पूछा, बोले सीना चौड़ा करके बोला भाई रीडिंग बुक्स। तो उन्होंने बोला क्या पढ़ते हो, सरस सलील भाई, भाई मैगजीन पढ़ते हो, ऑटोबायोग्राफी पढ़ते हो, फिक्शन पढ़ते हो, नॉन फिक्शन पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो बताओ, अखबार पढ़ते हो क्या। मैं बोला आई डोंट सी दिस कमिंग, सोसाइटी तो सही में एक्सेप्ट नहीं कर रही है। मैंने कहा सर वो पहले निधि से पूछ लेते तो अच्छा रहता। तो निधि ने, निधि पलट गई यार, निधि बोलती है कशीदा करी। मैं बोला अरे निधि यार, निधि तो पलट गई लेकिन मैं उस दिन नहीं पलटा। मैंने बोला यार आगे ट्राई करते हैं इसको, करते हैं कोशिश तो करते हैं पढ़ने की। तो एक एक मेरा फ्रेंड था भूपेंद्र, ये था, ये कभी कभार ना कंफ्यूजन होता है था बोलू या है बोलू, क्योंकि वो है मतलब कॉलेज में फ्रेंड था, है ना। तो कॉलेज में फ्रेंड था भूपेंद्र, वो वैसे वाला रीडर था, वो जो जो ऑल आउट के अंदर की स्लिप भी पूरी पढ़ ले वैसा वाला टाइप का रीडर था वो। तो उससे मैंने पूछा भाई क्या पढ़ूं बता कुछ स्टार्ट करने के लिए। तो उसने मुझे पकड़ाया द गॉडफादर, किसी ने पढ़ा है द गॉडफादर, किसी ने नहीं पढ़ा, देखा भी है किसी ने, सब मेरे जैसे ही है। अच्छा ओके वो यार इतनी मोटी बुक है, पता है ऐसी मोटी सी बुक है, उसको मैं जैसे जैसे पढ़ रहा था ऐसा लग रहा था ये और बढ़ती जा रही तो मेरे से नहीं हुआ यार वो। मैंने जैसे तैसे उसके 20-25 पेजेस पढ़े होंगे और मैंने उसको लौटा दी। मैंने बोला भाई कुछ मेरे साइज का देना, ये बहुत मोटी है यार। उसने मुझे एक बुक पकड़ाया, उसमें लिखा था पुलाव छोले। बोला भाई कुकिंग नहीं है मेरी हॉबी, बोलता है पुलाव छोले नहीं भाई पाउलो कोयलो है। भाई भाई जिसका टाइटल मुझे पढ़ते नहीं आ रहा वो बुक में क्या पढ़ूंगा। तो बोलता है टाइटल ये भाई ऑथर है, ऑथर। अच्छा ओके ओके फिर उसने मुझे सोच समझ के एक बुक पकड़ाई, उसका नाम था टू स्टेट्स। वो मैंने 3 महीने में आधी पढ़ी, उसके बाद मूवी आ गई तो मूवी देख लिया, तो मेरी रीडिंग बुक्स की जर्नी वही खत्म हो गई। उस दिन मेरे को लगा कि यार रीडिंग बुक्स, ओके रीडिंग बुक्स मेरी हॉबी नहीं हो सकती, आई एम जस्ट क्लोजिंग। मतलब हॉबी बनाने में ना आपको प्रिटेंड नहीं करना है, आपको प्रिटेंड नहीं करना चाहिए, जस्ट बी योर सेल्फ वाइल चूजिंग योर हॉबीज, राइट। तो बस उस दिन से फिर से मैंने अपनी हॉबी चेंज कर दी, वही अपनी वॉचिंग हॉलीवुड मूवीज इन हिंदी। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर बीइंग सच अ लॉली ऑडियंस, थैंक यू। दैट वाज अक्षय कुमार।